दोस्तों मस्ती में अगर आपको मजा आया था, अगर आप सोच रहे हो अगर क्यों पूछ रहे हो, ऑफ कोर्स आपको मजा तो आया ही होगा, तो इस टाइम मस्ती का सीक्वल बना है ग्रैंड मस्ती. एंड प्रोड्यूसर डायरेक्टर इंद्र कुमार एंड प्रोड्यूसर अशोक ठकेरिया जो हमारे स्टूडियो में है, दे प्रॉमिस डबल द मस्ती दिस टाइम. एक्चुअली डबल नहीं, तीन गुना ज्यादा. फ्रेंड्स, फर्स्ट लेट्स वेलकम देम एंड देन गेट टॉकिंग टू देम. वेलकम टू ETC बॉलीवुड बिजनेस. हेलो एवरीबॉडी. कितने गुना मस्ती आप प्रॉमिस करते हैं इस फिल्म में, ग्रैंड मस्ती में? परसेंटेज तो नहीं बोल सकते, बट ग्रैंड का मतलब यू नो ना व्हाट इज ग्रैंड. It's going to be grand. तो बजट में भी ग्रैंड है उस मस्ती के मुकाबले, आप उनसे पूछिए. ऑफकोर्स मस्ती वॉज मेड 9 साल पहले बनी थी तो, और आपको पता है कि इन्फ्लेशन और कॉस्टिंग कितनी बढ़ गई हमारी इंडस्ट्री में और बाकी जगहों पे भी. तो ऑफकोर्स बजट इज मोर देन डबल ऑफ व्हाट मस्ती वॉज. या और अडल्ट कॉमेडी जब भी कोई बनाते हैं, जैसे आप लोगों ने ग्रैंड मस्ती बनाई है, हमेशा एक फियर रहता है, सेंसर पास करेगी नहीं करेगी. ये फियर ने आपको कितना सताया जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे थे और जब आप फिल्म शूट कर रहे थे? सी, पहले तो हमको लग रहा था कि थोड़ा ज्यादा बोल्ड है, बट जैसे दुनिया आज जा रही है, जैसे आज अगर आप अपना सेलफोन देखेंगे तो उसमें डर्टी जोक्स होंगे. मेरे में भी हैं, इनके भी होंगे, और मतलब हर एक के हैं. हर व्यूअर जो देख रहा है उसके पास भी शायद होंगे. करेक्ट. सो ये हमारे कल्चर में आ चुका है, अननोइंगली इट हैज सीप्ड इन. एंड लेकिन हम डिस्कस नहीं करते हैं, चुपचाप एक दूसरे को भेज देते हैं. हम लोगों ने पहली बार हिम्मत की किया वही SMS जोक्स को स्क्रीन पे कैसे लाया जाए. सो पहले हम लोग डरे हुए थे, लेकिन हमने की हिम्मत और हमने बनाया कि ये एक्सेप्ट होगा. वी वेर वेरी श्योर कि ये एक्सेप्ट होगा. एंड थैंकफुली सेंसर वाले लोगों ने भी ये देखा कि हमने कोई किसी को डिग्रेड नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, ना किसी की सेंसिबिलिटी को छेड़ रहे हैं, और ना ही कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे. ये फिल्म सिर्फ फन एंड फ्रोलिक के लिए बनाई गई है, जैसे हॉलीवुड में अमेरिकन पाई बनती थी या हैंगओवर बनती थी. तो ये हमारा इंडियन वर्जन है. ये बेसिकली आपने जब कहा ना कि सेंसर के आपने, क्योंकि अगर आप याद रखो तो मस्ती जो हमारी फर्स्ट थी वो भी एडल्ट थी, और तभी भी, और ये दोनों मस्ती फिल्म बेसिकली इज एन एडल्ट सब्जेक्ट बिकॉज इट इज एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर. तो बेसिकली इट कम्स अंडर. सो जब हमने स्क्रिप्ट लिखना भी शुरू किया तो वी वर वेरी क्लियर वी आर मेकिंग एन एडल्ट कॉमेडी. सो फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर क्वेश्चन, सेंसर के हिसाब से आपने सोचा कि, तो हम तो क्लियर थे मेंटली कि पहले फिल्म भी हमारी को एडल्ट थी मस्ती, और ये फिल्म भी हम एक एडल्ट कॉमेडी बना रहे हैं. So it was there in our mind, and that and the subject is adult because it's extramarital affair. और दूसरा important हम लोगों ने एक honest काम क्या किया था कि जब हमने apply किया, we applied for an A certificate. अच्छा, आपने पहले से. और इनफैक्ट पीपल वर सरप्राइज कि आजकल तो हर प्रोड्यूसर आके बोलते हैं कि हमको यूएस दे दो बिकॉज वो सेटेलाइट में आएंगे नहीं आएंगे. हमने कहा कि देखो, हमने एक एडल्ट फिल्म बनाई है और हमको एडल्ट ही चाहिए बिकॉज वील बी चीटिंग अवर सेल्फ बाई टेलिंग के नहीं हमको यूए दीजिए प्लीज. तो हमने तो रिस्क लिया था कि सेटेलाइट के जो भी आजकल नया है कि भाई इट विज यूए फिल्म, बट ऑफकोर्स फॉर सेटेलाइट विल गेट इज सेंसर्ड फॉर यूए ऑफकोर्स बिकॉज सेटेलाइट में. मगर आप वो रिस्क लेने को तैयार थे? हमने रिस्क लिया. 9 साल पहले जब आपकी मस्ती सेंसर हुई थी और अब जब ग्रैंड मस्ती सेंसर हुई है, इन 9 सालों में आपने कुछ सेंसरशिप में अलग पाया? नहीं, तब भी उन्होंने बोला था या तो आप इतने कट्स ले लो और ए सर्टिफिकेट ले लो या ए सर्टिफिकेट. तो हमने फिर ऑप्ट किया कि अगर इतने कट्स लेने हैं उससे अच्छा ए सर्टिफिकेट ले लेते हैं बिकॉज हमको लगता था, हाँ अगर आपको ये फील हो रहा है भाई ये बच्चों को नहीं देखना चाहिए तो हमको भी ये, वी ऑल्सो रियलाइज दैट कि हाँ ठीक है बच्चों को नहीं देखना चाहिए, आप ए सर्टिफिकेट दीजिए. इसलिए सेकेंड टाइम हमने अप्लाई ए कर दिया ताकि ये झगड़ा ही ना आए. और हमारी सब पब्लिसिटी में फर्स्ट डे से हमने एक एडल्ट कॉमेडी, वी हैव बीन टेलिंग द ऑडियंस दिस इज एन एडल्ट कॉमेडी एंड इट्स एन एडल्ट फिल्म. इनफैक्ट जब भी हमें थोड़े रशेस भी देखना चाहते थे तो एक हमारे एक टेक्नीशियन के थोड़े बच्चे आ गए, तो वी वर वेरी क्लियर कि प्लीज उनको आप घर ले जाइए बिकॉज किड्स कैन नॉट वॉच दिस फिल्म. सो कॉन्शियसली माइंड वॉज दैट. दैट्स राइट. या आप कुछ कहना चाहते थे? नहीं, बस यही जो
कि वी आर वेरी श्योर कि हमने ए सर्टिफिकेट की फिल्म बनाई है, एडल्ट लोगों के लिए बनाई है, तो दे शुड सी इट एंड एंजॉय इट. एंड एंजॉय तो कर ही रहे हैं, आपके ट्रेलर्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. आई थिंक जैसे आप हंस रहे हैं वैसे लोग ट्रेलर देख के हंस रहे हैं, एंड आई थिंक द फिल्म इज गोइंग टू स्टार्ट वेरी वेल. आई हैव नेवर सीन ऐसा रिएक्शन कभी, कितनी फिल्में बनाई हमने, बट ऐसा जो रिएक्शन आया है इसका कुछ अनबिलीवेबल रिएक्शन है, टचवुड, बिकॉज कुछ ऑनेस्टली आई एम श्योर हम दोनों ने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा रिएक्शन आएगा पॉजिटिव, जो पीपल आर एंजॉइंग इट एंड शेयरिंग इट विथ मी एंड इवन विमेन एंड मेन बोथ. मुझे ये बताइए, जनरली आजकल ये सिस्टम हो गया है कि इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स कोलैबोरेट कर लेते हैं किसी कॉर्पोरेट के साथ. जब फिल्म अनाउंस होती है तो या तो वो कॉर्पोरेट को प्रोड्यूसर होते हैं या पूरे डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स वो कॉर्पोरेट को भेज दिए जाते हैं. आप लोग जब फिल्म बना रहे थे, यू हैव डन फिल्म्स इन द पास्ट जहां पर कॉर्पोरेट्स के साथ जुड़े हैं आप लोग, मगर इस फिल्म के साथ आप कॉर्पोरेट के साथ नहीं जुड़े थे. क्या इसलिए कि बहुत ज्यादा बोल्ड सब्जेक्ट था या इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन आपकी तरफ से? बेसिकली इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन कि भाई हम फिल्म बनाना शुरू कर दिए कि अगर एंड समबडी इज वांटिंग टू गेट इन्वॉल्व वी आर वेलकम. बट खैर हमने वो कभी सोचा नहीं था कि अगर कॉर्पोरेट आएगा तो ही फिल्म बनेगी या नहीं आएगा तो नहीं बनेगी. सो वी वर वेरी श्योर कि हमको तो फिल्म बनानी है, वी वर श्योर अबाउट द होल सब्जेक्ट. एंड इट इज हेड्स ऑफ टू इंदु के उसका जो कॉन्फिडेंस था फ्रॉम द डे वन अबाउट द स्क्रिप्ट एंड ऑल, एंड ही वाज से कि ये करेक्ट है जो हम बना रहे हैं वो सही है, हम बना लेंगे फिल्म और हम खुद रिलीज करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं. मगर अल्टीमेटली यू हैव सोल्ड द फिल्म टू डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड मेरे ख्याल से ये ट्रेलर के मैजिक से हुआ. मैजिक से हुआ बिल्कुल बिल्कुल. जब कंटेंट जब लोगों ने देखा कि बिकॉज क्या हो जाता है, आई विल टेल यू वन थिंग, बिकॉज ट्रेड रिएक्ट्स टू फर्स्ट द स्टार कास्ट, करेक्ट, एंड दो इट वॉज अ ब्रांड बट समवेयर द नंबर्स वर नॉट इम्प्रेसिंग देम बिकॉज दे फेल्ट दैट नंबर्स आर वेरी हाई बिकॉज वी हैड केप्ट अ ह्यूज बजट. ऊपर से हमने रीशूटिंग भी की 17-18 दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद रीशूटिंग के बाद. बेटा में मुझे याद है आपकी रीशूटिंग, पूरा एक सेट पर मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने शूटिंग की, एंड देन यू स्क्रैप द एंटायर पार्ट, एंटायर फर्स्ट हाफ वाज स्क्रैप. इश्क में भी हुआ था वो, राजा में भी हुआ था, दिल के अंदर दो क्लाइमेक्स हमने शूट किए थे पूरे के पूरे. तो ये बहुत सालों के बाद हमने रीशूटिंग की, हमने पूरा सेकंड हाफ में जो अबाउट, तो उसके लिए पेड़ है तो बांटे होंगे वापस, वी आर बैक टू ओल्ड फॉर्म. ऑफ कोर्स वो मुझे पिंच कर दिया बिकॉज बजट वेंट है, बजटिंग पर बैठते हैं. तो मैं तो आई एम ऑन द मनी बैग्स, तो मेरी तो हालत खराब थी, बट खैर वी वर श्योर एंड ही वॉज वेरी श्योर कि वॉट ही वॉन्टेड, सो देर वॉज फुल सपोर्ट कि नहीं चलो करते, फिल्म को अच्छी बनानी है. वो एक धैर्य ले लिया था कि वो कॉपरेट हो या ना हो, बट हमको एक फिल्म अच्छी बनानी है और हम करेंगे कॉन्फिडेंटली इसको. एंड वेयर गॉड इज बीन काइंड टू ब्लेस अस के लोगों को इतना अच्छा रिएक्शन लगा कि बहुत दिनों के बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर वो बोलते हैं कि एक एक टेरिटरी के लिए दो दो तीन तीन चार चार डिस्ट्रीब्यूटर आर वॉन्टिंग टू हैव द फिल्म. सो दैट वॉज अ ग्रेट फीलिंग एंड अल्टीमेटली देन हीरोज केम इन एंड They तो अल्टीमेटली ये क्या सिस्टम है, आप लोगों ने अलग अलग टेरिटरीज के राइट्स बेचे जी, और फिर एरोस इंटरनेशनल को क्या बेचा? नहीं उसको फुल वर्ल्ड वाइड रिलीज है. अच्छा, सो दे टुक ओवर द वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स अलोंग विद द डिस्ट्रीब्यूटर्स. जो हमने कमिटमेंट की थी वो एज इट इज लॉक स्टॉक एंड बैरल, वो कमिटमेंट के साथ. और ये सिलसिला कौन से टेरिटरी से शुरू हुआ, जब आपकी प्रोमोज या आपका ट्रेलर पहला ट्रेलर आउट हुआ तो कौन से टेरिटरी के सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स आए और शुरुआत किस टेरिटरी से हुई? इनफैक्ट मुझे पता है 18th को ट्रेलर लॉन्च हुआ और 19 से जितने फोन आना शुरू हो गए, इट वॉज लाइक एवरी टेरिटरी पीपल वॉज वॉन्टिंग टू टॉक एंड मीट एंड क्लोज द डील. सो इट वॉज बेसिकली तो ऐसा ही हुआ कि वो दो हफ्ते में तो इतने फोन और इतनी लोगों से मैं मुलाकात किया, इट वॉज नाइस बिकॉज वी वर गेटिंग कनेक्टेड टू डिस्ट्रीब्यूटर्स नाउ फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग गैप एंड लॉट ऑफ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल्सो, बिकॉज हमारी तो एक रही है सिस्टम के हम तो सेम डिस्ट्रीब्यूटर्स 30 years से रिलेशनशिप आप लोग बना के रखते हैं. वी ऑलवेज बिलीव्ड के रिलेशनशिप इज मोर इम्पोर्टेंट देन बिजनेस देन द नंबर्स, बट खैर हमारे काफी ओल्ड प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स अभी ट्रेड में बिजनेस उतना एग्रेसिवली नहीं कर रहे, बट दे वर नाइस टू मीट अप न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड मेक द डील, एंड बहुत एक्साइटमेंट रहा ट्रेलर के बाद. ऐसी इस किस्म की जब कहानियां लिखते हैं अडल्ट कॉमेडी, तो देर इज ऑलवेज अ चांस कि आप ओवरबोर्ड चले जाए, यू नो. कौन रेंज होल्ड करता था, कौन डिसाइड करता था कि नहीं यहां से इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, दिस इज द लिमिट, बिकॉज वल्गैरिटी ऑब्सिनिटी
ऐसे ही क्रीप इन करती है. एक होता है कि यू वांट टू मेक इट बट नॉट इन योर फेस, एक होता है कि यू कैन गो टू एनी लेंथ्स एनी लिमिट्स. तो हु यूज्ड टू एक्ट लाइक द चेक या इट वाज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट? ये बॉस नहीं, ही वाज द कंप्लीट कंट्रोल बिकॉज़ द वे ही अच्छा आप कंट्रोल करते थे. आई नो हिम एज अ नॉन कंट्रोलिंग गाय. नहीं नहीं, इन्होंने बहुत ही बिकॉज़ क्या था, हमारे राइटर्स भी बहुत एक्साइटेड, मिलाप एंड तुषार, दे हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब, बोथ ऑफ देम हैव रियली वर्कड हार्ड ऑन द स्क्रिप्ट. एंड ऑफ कोर्स जब एक राइटर लिखता है स्क्रिप्ट तो वो एक्साइटेड होता है क्योंकि उसने एक चीज को बर्थ दिया है, क्रिएट किया है. करेक्ट. तो जब वो डायरेक्टर के पास आता है तो देन आई एम श्योर ही इज द बेटर पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज़ वो फुल थ्रॉटल जाने बोलते हैं बट उनको पता होता है कि कितना जाना चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए. बट मैं ये फिल्म की पूरी क्रेडिट तुषार और मिलाप को देना चाहूंगा, आपके जो राइटर्स हैं, राइटर्स, बिकॉज वो लोगों ने ये स्क्रिप्ट को इतने अच्छे से लिखा. और मतलब मोस्ट ऑफ द लोग इस सब्जेक्ट में या इस बात पे विश्वास नहीं कर रहे थे, वो लोग बहुत श्योर थे कि इंदु जी आप बनाइए ये पिक्चर, ये पिक्चर 100% लोगों को पसंद आएगी. सो मुझे उन्होंने विश्वास दिलाया. तो ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि इसकी इसका सीक्वल बनना चाहिए, उन्होंने नहीं ऐसा सीक्वल बनना चाहिए. अच्छा, ऐसा सीक्वल का डिसीजन आप लोगों ने ले लिया. लेकिन इस लेवल पे जाना है जी, वो हमारा जॉइंट डिसीजन था. बट सर्टन चीजें जो पैरामीटर्स क्रॉस होते थे तो जब मैं रोकता था, पर मतलब मैं बोल मतलब क्रेडिट राइटर्स की है जो इतने श्योर थे कि नहीं इंदु जी ये पिक्चर तो 100% आपको बनानी चाहिए. बिकॉज बहुत सारे क्वार्टर्स ऐसे थे जो बोलते थे नहीं ये पिक्चर आपको नहीं बनानी चाहिए, मतलब क्यों बना रहे आप. पर वो जो राइटर थे उन्होंने मैं भी देखा और उनके साथ मैंने भी देखा, जमाना बदल रहा है. और मैंने भी जब ये सब्जेक्ट लिख रहे थे तो हम लोग ये जोक्स जाके बाहर सुनाते थे कहीं पार्टियों में इधर उधर, तो हमको जो रिएक्शन मिलता था वो बहुत अच्छा मिलता था. तो हमने वो एक थोड़ा स्टडी भी किया. बट फिर भी मैं बोलूंगा क्रेडिट राइटर्स की है जो लोगों ने हमको इंस्पायर किया कि ये फिल्म बनाई है. इनफैक्ट ऑफ कोर्स क्रेडिट उनकी है तो, क्योंकि उन्होंने जब ये सब्जेक्ट डेवलप किया और फर्स्ट टाइम सुनाया तो ऑनेस्टली मैं तो थोड़ा वो हो गया था. और मैंने इनफैक्ट इंदु को कहा, डर गए थे? हाँ, के इंदु को कहा कि एटलीस्ट यू डोंट डायरेक्ट दिस फिल्म, प्रोड्यूस करेंगे हम जरूर. बट उनका कॉन्फिडेंस और राइटरों ने इतना कॉन्फिडेंस दिलाया तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की. बोले काम करते हैं हम, एक यंगस्टर्स को सुनाते हैं पहले स्क्रिप्ट, ये आपके जो रिजर्वेशन है ना, तो अबाउट 25-30 यंगस्टर्स को हमने एक छोटा सा एक छोटा सा बैंकवेट हॉल जैसा लिया हमने. और अच्छा, एट द स्क्रिप्ट लेवल, एट द स्क्रिप्ट जनरली फिल्में दिखाते हैं, तो हमने वो नरेशन मिला, आपने नरेशन दिया और हम दोनों नहीं थे वहां. और मैंने अपने बच्चों को बोला या अपने दोस्तों को बुलाओ. ओके, यंगस्टर्स दोनों बेटियां सब यंगस्टर्स को बुला लिए, फिर हिज सन आल्सो, तो इन्होंने कुछ 20-25 जमा कर लिए. और फिर जो नरेशन हुआ दे वर लाफिंग, मतलब हंसे जा रहे थे वो. और पूरा रिकॉर्ड हो रहा था, उनको पता नहीं था. हमने पूरा रिकॉर्ड किया उनको एंड देन वी हर्ड इट इन द ऑफिस एंड दैट्स द टाइम मिलाप सेट. देखिए मैंने कहा ना कि ये सब्जेक्ट बनाना चाहिए, आपको जो थोड़ा भी रिजर्वेशन था दिस इज द आंसर टू, एंड दे वर कॉन्फिडेंट इनफ, दैट्स व्हाई दे सेड कि काम करते चलिए, यंगस्टर्स को सुना दे. अगर उनको ऐसा लगा और वो रिजेक्ट कर देते हैं तो देर वी हैव टू थिंक. पर एक शॉक मुझे ये लगा कि यंगस्टर्स को तो बहुत पसंद आया, जो ओल्डस्टर्स हैं उनको और भी ज्यादा पसंद आया. मतलब वो तो ज्यादा मजे लेने लग गए. मैं तो मतलब यहाँ तो हमारा जजमेंट इन वे फेल हुआ है. और ऐसा फेल हुआ, आई थिंक दिस फेलियर इज समथिंग व्हिच यू मस्ट हैव रियली एंजॉयड. क्योंकि हमने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी ऐसे रखी कि चलो यंगस्टर्स क्राउड है तो यंग 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 यंगस्टर्स यंगस्टर्स. वी नेवर रियलाइज कि एक हमारा मस्ती का एक फैन है बेस जो अभी दे ऑल्सो ग्रोन अप. Correct. जो 9 साल में, exactly. So they are also looking forward to and they have also accepted it and enjoying it. तो ऐसे अभी खबरें आ रही सब जगह ऐसे कि people have already decided in groups that हमको जानी है picture देखने. And the shocking part was Komal when we started getting more confidence was कि जब हमने ये इसके फिल्म के marketing times के लिए we meet up marketing people 3-4 months in advance. तो उनकी टीम में जनरली यंग गर्ल्स होती है. आजकल आप देखिए सब marketing teams. तो उनको हम जब प्रोमो दिखाते थे या उनको जब सम पार्ट्स ऑफ द फिल्म दिखाते तो उनकी एक्साइटमेंट देख के और कॉन्फिडेंस आया कि यार द विमेन आर रिएक्टिंग. करेक्ट.
they have taken it in a positive way. So that was a great feeling. And mere khayal se ye mujhe dohrane ki zarurat nahi hai ki the trailers actually have done their trick. And mere khayal se Friday ko aur weekend ko aapko bahut bahut acche numbers dekhne ko milenge. I think you'll have won half the battle through the trailers itself. Thank you so much. Thank you so much for being on the show. Thank you. तो दोस्तों ये थे इंद्र कुमार और अशोक ठकेरिया. इनकी फिल्म ग्रैंड मस्ती इस शुक्रवार को रिलीज हो रही है और मुझे बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं है कि आपको इस शुक्रवार को या इस वीकेंड को क्या करना है. ऑफकोर्स जब फर्स्ट ट्रेलर आउट हुआ था तभी आपने या तो अपनी डायरी में या दिल में या दिमाग में या तीनों जगह पर लिख लिया होगा कि हमें इस शुक्रवार को इस वीकेंड को क्या करना है. ऑफ कोर्स हेड टू अ सिनेमा स्क्रीनिंग ग्रैंड मस्ती. फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही. हमारी मुलाकात कल फिर होगी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार एक्साइटिंग एपिसोड में. इन द मीन टाइम आपके कोई सुझाव कोई सजेशन हो तो प्लीज डू राइट इन टू अस एट bollywoodbusiness@znetwork.com. And if you have any questions relating to the world of cinema, तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए BBiz, स्पेस छोड़िए टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल, स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए 575755 पर. You can follow us on Twitter @ETC Bollywood. This is Komal Nahta, bidding you goodbye.